मुनाफे में आ गई है। इस दौरान कंपनी को करीब 95 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं यहां पर 190% की बढ़त आय के फ्रंट पर भी देखने को मिल रही है। नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला है ये बताने के लिए हमारे साथ टाटा मेटेलिक्स के MD संदीप कुमार जुड़ गए हैं। मिस्टर कुमार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सेल्स वॉल्यूम हाईएस्ट रही है और कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स में भी काफी दमदार एक्शन देखने को मिला है इस तिमाही। आप अपने नतीजों को कैसे देख रहे हैं? क्वार्टर वन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, और इसका जो मेन कारण है वो पिग आयरन बिजनेस है, जिसमें डिस्पाइट कोविड जो हमारे देश में जो रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउंस थे उसके कारण जो फाउंड्री इंडस्ट्री है उसमें काफी इम्पैक्ट हुआ था। सो इसलिए हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स पे काफी ध्यान दिया और एक्सपोर्ट्स करीब हमारा 25% ऑफ सेल्स क्वार्टर वन का, जो कि करीब क्लोज टू 90,000 टन्स है, वो हमने एक्सपोर्ट किया मेनली टू चाइना। उसके अलावा जो प्राइसेस हैं आपको मालूम ही है, कमोडिटी प्राइसेस, स्टील प्राइसेस, पिग आयरन प्राइसेस सारे एकदम रिकॉर्ड हाईज पे हैं, तो उसका भी फायदा हमें मिला। सो दो कारण हैं, एक हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स करीब 89,000 to 90,000 टन्स, और दूसरा है बूमिंग प्राइसेस। इन दोनों कारणों से हमारा प्रॉफिट जो है इस बार ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स हुआ है। बिल्कुल संदीप जी, वैसे DI पाइप सेगमेंट की अगर बात करें, लॉकडाउन कोरोना स्थिति का असर वहां पर देखने को मिला है, फिलहाल सिचुएशन कैसी है? सो DI पाइप बिजनेस जो है उसमें पिछले साल काफी इम्पैक्ट आया था, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका आपको इम्पैक्ट DI पाइप बिजनेस पर दिखता है। पिछले साल काफी प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि गवर्नमेंट की फंडिंग कोविड की तरफ डाइवर्ट हो गई थी। इस साल फर्स्ट वेव के बाद में करीब क्वार्टर फोर में इम्प्रूवमेंट दिखता नजर आया हमें, और उसके कारण हमारे सेल्स भी क्वार्टर फोर में बहुत अच्छे रहे। इस क्वार्टर में दोबारा जो सेकेंड वेव कोविड का आया उसके कारण काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, कोविड का इम्पैक्ट सब जगह देखने को मिला। वेस्ट बंगाल में हमारा प्लांट खड़गपुर में है, वहां पे गवर्नमेंट ने 50% का रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था लेबर पे, उसके कारण हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए जितना हम प्रोड्यूस कर सकते थे, जितना डिमांड था। तो जहां तक डिमांड का सवाल है, डिमांड काफी अच्छा है, काफी तेज है, लेकिन उतना हम प्रोडक्शन नहीं कर सके क्योंकि हमें मैन पावर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा और उसके कारण हमारे प्रोडक्शन और डिस्पैचेस पे फर्क पड़ा। लेकिन मार्केट DI पाइप का बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट आगे जाकर के ओवर द नेक्स्ट 2 quarters हमें उम्मीद है कि और भी अच्छा होगा, क्योंकि काफी स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जो है इस बार यूनियन बजट में, वो आपने सुना ही होगा, जल जीवन मिशन में ऑलमोस्ट 3 times नॉर्मल ईयर का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं हम लोग DI पाइप बिजनेस के लिए भी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं आने वाले 2 quarters में DI पाइप्स जो हैं उसकी सिचुएशन और ज्यादा अच्छी होती हुई दिखे। लेकिन अगर करंट सिचुएशन को देखें मिस्टर कुमार, यहाँ पर टोटल ऑर्डर बुक DI पाइप सेगमेंट की फिलहाल क्या है, और पिछले 3 महीने यानी कि तिमाही के दौरान न्यू ऑर्डर विंस की सिचुएशन क्या रही? नॉर्मली DI पाइप बिजनेस में करीब हमारे ऑर्डर बुक्स ट्रेडिशनली 9 to 11 months रहा करते थे, आप समझ लीजिए करीब क्लोज टू 1 year। पिछले क्वार्टर में मैंने बताया था कि हम लोगों ने ऑर्डर बुकिंग हमारी काफी तगड़ी थी, करीब 16 टू 18 मंथ्स तक का ऑर्डर बुक्स हमने अपने पास रखा हुआ था। अभी वो ऑर्डर बुक्स हमारे पास करीब 14 से 16 महीने का है। वो इसलिए भी है क्योंकि हम लोग ऑर्डर बुकिंग थोड़ी हमने स्लो कर रखी है, प्राइसेस में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है। नॉर्मली जो स्टील एंड कमोडिटी प्राइसेस का जो बूम है उसका इम्पैक्ट DI पाइप में थोड़े समय के बाद से आता है, वो इम्पैक्ट अब हमको दिख रहा है, और ऑलरेडी DI पाइप प्राइसेस जो हैं करीब 25% से 30% की बढ़ोतरी हो गई है उसमें, और भी आगे होगी, जो कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट की बढ़ोतरी के कारण भी है, और डिमांड लेकिन जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, और इसलिए हमने काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है DI पाइप में, और उसी का इम्पैक्ट हमको आगे क्वार्टर्स में अब नजर आना चाहिए। बिल्कुल मिस्टर कुमार, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ मर्जर की टाइमलाइन क्या है और सिनर्जी बेनिफिट्स क्या होंगे इसके बाद? जो मर्जर का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में इसको इनिशिएट किया था,
और उम्मीद थी कि इस वर्ष में वो मर्जर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ये मेनली जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस रादर रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं उसमें थोड़ी देरी चल रही है। ये कोविड का भी इम्पैक्ट है, सब लोग ऑफिस में नहीं आ रहे थे तो उसके कारण थोड़ा स्लो चल रहा है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स में कितना टाइम लगेगा ये थोड़ा मुश्किल होता है कहना, लेकिन एक अगर हम गैस लगाएं तो हो सकता है कि साल के अंत तक, मे बी इन द नेक्स्ट 2 to 3 quarters ये अप्रूवल्स मिल जाने चाहिए, तो ये हमारी उम्मीद है। लेट अस सी कहाँ हम पहुंचते हैं इस पे। और जहां तक सिनर्जीज का सवाल है, वो मैंने पहले भी बताया था कि अपस्ट्रीम में काफी सिनर्जीज हैं, दोनों कंपनियों के पास में ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, सिंटर आपके जो रॉ मटेरियल के लिए सिंटर, पैलेट, कोक, कोल, आयरन ओर, ये तो सारे कॉमन आपके इनपुट्स हैं। सो जैसे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के पास में कोक जो है उनके पास एक्सेस है, एडिशनल कैपेसिटी है, हमारे पास थोड़ी सी शॉर्टेज है। सो ऑल्दो हमने अपना कोक ओवन प्लांट का एक्सपेंशन किया था क्वार्टर फोर में, जिसका कंप्लीशन भी हो गया था, लेकिन अभी करीब 20% शॉर्ट हैं, तो वो हम उनसे खरीद सकते हैं। आयरन ओर की माइन है उनके पास, वो हम उनसे ले सकते हैं। सो नॉलेज शेयर कर सकते हैं, पर्सनल जो है वो शेयर हो सकता है, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, एचआर, फाइनेंस जो कॉमन सर्विसेज हैं, कॉर्पोरेट सर्विसेज, उसमें रैशनलाइजेशन हो सकता है। तो कॉमन सिनर्जीज अपस्ट्रीम साइड में और शेयर्ड सर्विसेज में काफी हैं। डाउनस्ट्रीम में दोनों का बिजनेस जो है कस्टमर्स अलग अलग हैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉकयार्ड्स और सेल्स नेटवर्क वगैरह में कुछ रैशनलाइजेशन किया जा सकता है। बिल्कुल संदीप जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ।